Hello everyone, welcome back to our YouTube channel of Tata 1MG. I am Dr. Ekta Bajaj, Senior Consultant Obstetrics and Gynecology. लोगों के मन में मेनोपॉज से जुड़े बहुत से सवाल होते हैं जिनको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. मेनोपॉज क्या होता है, मेनोपॉज क्यों होता है, इसकी वजह से क्या सिम्टम्स होते हैं, मेनोपॉज को कैसे डायग्नोज कर सकते हैं और मेनोपॉज से रिलेटेड सिम्टम्स से रिलीफ पाने के लिए क्या करना चाहिए और मेनोपॉज से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम के रिस्क से कैसे बचा जा सकता है. मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि एक महिला अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल की एंड स्टेज में अनुभव करती है. इन अदर वर्ड्स, मेंस्ट्रुएशन के बंद होने को मेनोपॉज कहते हैं. मेनोपॉज इज डायग्नोज्ड व्हेन यू हैव गॉन 12 मंथ्स विदाउट मेंस्ट्रुअल पीरियड एंड मेनोपॉज यूजुअली 40s टू 50s की फीमेल्स में होता है. मेनोपॉज क्यों होता है? जब एक फीमेल की ओवरीज एग प्रोड्यूस करना बंद कर देती हैं और हॉर्मोन्स लेवल ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज होते हैं तो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस बंद हो जाता है और उस केस में मेनोपॉज होता है. मेनोपॉज के क्या सिम्टम्स होते हैं? मेनोपॉज के सिम्टम्स वुमेन टू वुमेन वेरी करते हैं. कॉमन सिम्टम्स हैं हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, स्लीप डिस्टर्बेंस, मूड स्विंग्स, इसके अलावा वेट गेन, लॉस ऑफ ब्रेस्ट फुलनेस एंड ड्राई स्किन, थिनिंग ऑफ हेयर, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एंड वजाइनल ड्राइनेस. इसके अलावा पेरीमेनोपॉजल फेज में पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं एंड कुछ लेडीज में पीरियड्स जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाते हैं और साइकिल्स शॉर्ट हो जाते हैं, जबकि कुछ औरतों में पीरियड्स स्किप होते हैं और डिलेड पीरियड्स की शिकायत भी हो सकती है. मेनोपॉज को कैसे डायग्नोज कर सकते हैं? मेनोपॉज को किसी भी लेडी के एज या फिर उसके सिम्टम्स के बेसिस पे डायग्नोज कर सकते हैं. इसके अलावा मेनोपॉज को डायग्नोज करने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ईस्ट्रोजन लेवल. अगर FSH लेवल इंक्रीज हो जाते हैं या फिर ईस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज हो जाते हैं तो मेनोपॉज होता है. इसके अलावा थायराइड फंक्शन टेस्ट ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि हाइपोथायराइड की स्टेज में भी मेनोपॉज जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं. मेनोपॉज के सिम्टम्स से रिलीफ पाने के लिए क्या करना चाहिए? हार्मोनल थेरेपी, ईस्ट्रोजन थेरेपी हॉट फ्लैशेस के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है. आपके डॉक्टर लोवेस्ट डोज में और शॉर्टेस्ट टाइम के लिए आपको ईस्ट्रोजन थेरेपी एडवाइस करते हैं और आपकी मेडिकल हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री भी पूछते हैं. ईस्ट्रोजन की वजह से बोन लॉस भी कम होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज़ की वजह से ब्रेस्ट कैंसर एंड कार्डियोवेस्कुलर रिस्क भी बढ़ सकता है. वजाइनल ईस्ट्रोजन थेरेपी, वजाइनल ड्राइनेस से रिलीफ के लिए वजाइनल ईस्ट्रोजन थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें ईस्ट्रोजन को डायरेक्टली वजाइना में एडमिनिस्टर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, रिंग और क्रीम. इस ट्रीटमेंट में एक स्मॉल अमाउंट में ईस्ट्रोजन रिलीज होता है जो कि वजाइनल टिश्यूज एब्जॉर्ब करते हैं एंड वजाइनल ईस्ट्रोजन की मदद से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, पेनफुल इंटरकोर्स और साथ ही साथ वजाइनल ड्राइनेस का ट्रीटमेंट किया जा सकता है. जिन लेडीज में ईस्ट्रोजन थेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है उनमें हॉट फ्लैशेस के ट्रीटमेंट के लिए लो डोज एंटी डिप्रेसेंट्स का भी यूज किया जा सकता है. इसके अलावा कुछ हर्बल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल हैं, जैसे कि ब्लैक कोहॉश, रेड क्लोवर, फ्लैक्स सीड्स एंड इवनिंग प्रिमरोज ऑयल एंड विटामिन डी थेरेपी. ये थेरेपी हम मेनोपॉज सिम्टम से रिलीफ के लिए यूज कर सकते हैं. फॉर्चुनेटली मेनोपॉज के साइंस एंड सिम्टम्स बहुत ही टेम्परेरी होते हैं और उनसे रिलीफ के लिए अब मैं कुछ लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज के बारे में बात करूंगी. जैसे कि हॉट फ्लैशेस से बचने के लिए ट्रिगर अवॉइड करें. आप अल्कोहल, हॉट बेवरेजेस, कैफीन, स्पाइसी फूड, हॉट वेदर एंड वार्म रूम को अवॉइड करें एंड वजाइनल ड्राइनेस से बचने के लिए आप वाटर बेस्ड एंड सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा यू शुड गेट इनफ स्लीप एंड यू शुड ट्राई रिलैक्सेशन टेक्निक्स लाइक पेस्ड ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग एंड अपनी पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए कीगल एक्सरसाइज ज़रूर करें. इसके अलावा हेल्दी वेट मेंटेन करें, बैलेंस डाइट लें एंड स्मोक ना करें एंड रेगुलर एक्सरसाइज करें.
आप अपने डॉक्टर से ज़रूर टच में रहें और अपनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ज़रूर डिस्कस करें। मेनोपॉज में ऑस्टियोपोरोसिस भी कॉमन होता है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो उसके लिए आप बोन डेंसिटी टेस्ट करवाएं, अपने डॉक्टर से एडवाइस लें एंड ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए विटामिन डी, कैल्शियम सप्लीमेंट्स को ज़रूर लेना चाहिए एंड रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके मेनोपॉज से रिलेटेड डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और अगर आपके मन में मेनोपॉज से रिलेटेड कुछ भी सवाल हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।